की काट सकते हैं। फिर ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि रातों रात पेड़ काटने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मैं उसको कंडेम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जिस तरीके से कल आरए एक्टिविस्टों को पकड़ा गया, उनको मारा गया, पीटा गया, मैं उसकी भी निंदा करना चाहता हूँ। हम लोग मेट्रो के खिलाफ नहीं है, कार शेड के खिलाफ नहीं है, लेकिन आरए में कार शेड बनेगा तो आरए बर्बाद होगा, तबाह होगा और इसका असर पूरे मुंबई के जनजीवन पर पड़ेगा। और इसीलिए मैं सरकार से एक बार फिर गुजारिश करने आया हूँ कि आप आरए में पेड़ों की कटाई रोकिए, क्योंकि यह मुंबई के लोगों की जिंदगी के खिलाफ होगी, यह मुंबई में आने वाली जनरेशन की जिंदगी तबाह कर देगी। और इसलिए अगर आप मेट्रो बनाना चाहते हैं तो कार शेड यहाँ से शुरू करिए, पेड़ों की। मुंबई के आरे कॉलोनी में 2700 पेड़ काटने को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। आपको बता दें कि 18 साल का युवक अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर आरे कॉलोनी में घुसना चाहा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। आपको बता दें कि रात से ही आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई चालू है। महाराष्ट्र राज्य सरकार सहित इस मामले में कोई गंभीरता नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज यादव के साथ मुरारी सिंह, एनएम न्यूज, मुंबई। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।